दोस्तों धरती से बाहर की बात तो बहुत दूर, हमारी धरती पर ही इतने सारे रहस्य हैं जिसे इंसान अभी तक ना के बराबर ही सुलझा सका है। वैसे इंसानी प्रजाति को धरती पर जन्मे कई लाखों करोड़ों साल हो गए, लेकिन इतने सालों से इंसान क्या करता रहा? क्यों इंसान अभी तक धरती के रहस्यों में ही उलझा पड़ा है? क्यों अभी तक धरती से बाहर जाने में इंसान पूरी तरह से सक्षम नहीं है? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब। कई वैज्ञानिक विशेषज्ञ बताते हैं कि जब से इंसानी प्रजाति का जन्म हुआ है तब से कई बार प्राकृतिक आपदा यानी प्रलय आ चुकी है, जैसे कि धूमकेतुओं का धरती से टकराना और पहले चंद्रमा सूर्य का एक टुकड़ा था जो सूर्य से आकर हमारी धरती से टकरा गया था। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनकी वजह से हमारी धरती पर हुई प्राकृतिक आपदाओं से धरती पर रहने वाली विकसित इंसानी सभ्यताएं कई बार विलुप्त हुई होंगी। शायद विलुप्त हुई सभ्यताओं में से कई सभ्यता हमसे कई गुना विकसित होंगी, जिसका एक जीता जागता उदाहरण है हड़प्पा की सभ्यता। शायद वो भी किसी आपदा की वजह से विलुप्त हो गई होगी या फिर किसी दूसरी धरती पर चली गई होगी। खुदा ना वास्ता ऐसा ना हो के धरती पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए और उसके बाद धरती पर किसी कारणवश एक या दो इंसान बच जाए तो उसके हजारों सालों बाद किसी को पता भी नहीं होगा कि कोई एक ऐसी चीज भी थी जिससे इंसान किसी यंत्र से उड़ता था। मीलों की दूरियों पर बैठे दो इंसान किसी यंत्र से बातें करते थे और कोई यहाँ तक भी मानने को तैयार नहीं होगा कि धरती गोल है, क्योंकि उन्होंने धरती को गोल देखा ही नहीं होगा। इसलिए हमें समझना यानी हमारी सभ्यता को समझना उन लोगों के लिए काफ़ी रहस्यमय होगा, और जहाँ आज हम हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए उन लोगों को कई हजारों सालों लग जाएंगे। जैसे कि आज भी हमारे लिए हड़प्पा जैसी सभ्यताएं काफ़ी रहस्यमय बनी हुई हैं। इसलिए स्टीफन ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हमें 100 सालों के अंदर धरती छोड़नी ही पड़ेगी। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो फिर हमारी इंसानी प्रजाति यहाँ तक कि हमारी सभ्यता भी विलुप्त हो जाएगी। अगर हमें अपनी इस सभ्यता को बचाना है तो कोई दूसरी धरती ढूंढनी ही पड़ेगी। यदि हम इस बार अपनी सभ्यता को बचाने में सफल रहे और आगे आने वाली ब्रह्मांड की आपदाओं से भी अपनी सभ्यता को बचाते रहे तो एक न एक दिन हम सारे रहस्यों से तो नहीं पर काफ़ी हद तक दुनिया के रहस्यों को सुलझा लेंगे, जिससे हम अपनी सभ्यता को जरूर अमर बना लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो इंसान का अमर होना भी निश्चित है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यह वीडियो अपने दोस्तों को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अगर आप हमारी आगे आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हम आपको अपने इस चैनल के द्वारा तकनीकी और रहस्यमय खबरों से रूबरू कराते रहेंगे।